बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा। आज मुझे ऐसे प्रश्न की व्यवस्था के अंदर आज दूसरा मौका मिला है यहाँ पे आने का। और जब मैं पहली बार कहा आया तो करेली हॉल के अंदर जो तारीखी हॉल जहाँ पे मुझे बहुत इज्जत बची है मेरा हौसला बढ़ाया गया। और आपका वो हौसला लेके मैं आपकी छोटी बहन आशिका के लिए वापस रियासत में गया और एक नई ताकत के साथ मुझसे लड़ाई शुरू की। और उसके बाद ये हिंदुस्तान के अंदर बांटने वाले काउंसिलर कायल जो है उसके हम लोग जैसे सदर साहब ने भी बताया। और सुमा अलहमदुल्ला के उस वक्त मुझे याद आया कहते हैं हॉल के अंदर स्टैंडिंग ओवेशन। और मुझे याद आया वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप और बात कीजिए। और मुझे याद आया आपको सदर साहब का शाबाशी देना। और मुझे याद आया आपका वो साथ देना। मैंने कहा ताने पर आज गर्दन लगती है तो लग जाए लेकिन ये तो काय और बलेरिये जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की ताक में है इनके आगे कभी नहीं झुक रहा है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास हूं और कईयों समय के प्रबंध और बाकी तमाम लोग साथ हैं ग्राम और आपके साथ जो भी लोग खड़े हैं आप तमाम लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा और खासकर मेरी बहनों से। देखिए हिंदुस्तान के अंदर एक नियम है कि सबसे पहले हमारे अंदर एहसास कमतरी इतनी ज्यादा है कि हम सच को सच कहने की हिम्मत ही नहीं ला पाते। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी बात होगी जिना का ना जिना साहब का नाम आएगा या किसी का भी नाम आए तो हम एकदम अपनी जबान बंद कर लेते हैं कि अरे यार ये क्या हमें एंटी नेशनल बोलेंगे और पता नहीं क्या क्या टैग लग जाएंगे। लेकिन मैं बच्चे यहां पर बैठा हूं मैंने देखा कि जनाब मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर कितनी लंबी तवील तकरीरें चल रही है तारीख को बयान किया जा रहा है। और संघ इस कोशिश में थी कि जिन्ना को ना पढ़ा रहे अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को ना पढ़ा रहे। वही मेरे साथी ने एक यहाँ पे कहा कि गलत जगह आप हाथ डाल दिए है। और सच बात है कि बहुत गलत जगह आपने हाथ डाल दिया है। पूरे मुल्क के अंदर आप जिस जिन्ना को बदनाम करने चले थे उसी जिन्ना की वजह से तुम्हारे नसीब पर टूट सामने आएगी। बोल बात कर क्या करके गया सवाल कर क्या करके गया तुमने मुल्क को किस तरह से तोड़ा अंग्रेजों को यहाँ के लाके पूरे मुल्क को गुलामी की चक्की में घुसवाया हिंदू और मुसलमानों को कटवाया मुल्क का बंटवारा करवाया। ये आज का नौजवान चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो जैनियों का हो वो तो जानता है एलियों का भी जानता है लेकिन बीएचयू का स्टूडेंट भी अब जाग चुका है। अब वो भी यहाँ पर पड़ेगा पड़ेगा साथियों इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज को और मैं बता दूं देखिए ये बहुत बड़ा ट्रैप है जिस ट्रैप में हम फंसते जा रहे हैं। आज का डिबेट जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो डिबेट है वो डिबेट जिन्ना साहब की पोर्ट्रेट को लेकर नहीं होनी चाहिए। आज की डिबेट मेरा भी फर्ज है कि मैं कश्मीर के अंदर आप तमाम साथियों का फर्ज है कि आप यहाँ पे और हिंदुस्तान के कोने कोने में और दुनिया भर के अंदर जितने भी लीग है उनका फर्ज बनता है कि इस लड़ाई को यह लड़ाई जो है जिन्ना साहब के पोर्ट्रेट की लड़ाई न बने ये जनाब अंसारी साहब पे कातिलाना हमले की लड़ाई बने और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गंगा जमुनी तहजीब और यहाँ की जो तहजीब है उस पर हमला करने की कोशिश की गई इन दहशतगर्दों की तरफ से वो आर्ग्यूमेंट हो वो लड़ाई बने वो डिबेट बने। मेरे साथियों मैं आप तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा रहा इस लड़ाई को महदूद न कीजिए इस लड़ाई को ना सोचिए कि ये आपके कैंपस की लड़ाई है। मैं जब पिछली बार आया था तो मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर से आसिफा ने मुझे पैगाम देके भेजा है। मैंने कहा याकूब ने मुझे पैगाम देके भेजा है और आज कश्मीर के अंदर निहत्ते बच्चों का खून बहाया जा रहा है। इनका उसके बाद बाकी सारे मित्र बोल चुके हैं कि यह सब क्यों किया जा रहा है मुझे इसमें बोलने की जरूरत नहीं लेकिन मैं एक और पैगाम लेके आया हूं। आपने देखा होगा आज से 3-4 हफ्ते पहले कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही लियाकत हुसैन नाम के एक मासूम लड़के का 24-25 साल के नौजवान लड़के का कत्ल कर दिया जाता है। उस पर
भी कोई बात नहीं की जाती। मैं आपसे, आप स्टूडेंट यूनियन से और आप तमाम साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि यह लड़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लड़ाई में बन के रह जाए। यह लड़ाई आसिफा की लड़ाई रहनी चाहिए। आप जैसे कोई साथी यहाँ पे कह रहा था कि हम अब एक एक बदला लेंगे, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ, खुदा रा एक एक चीज का बदला लीजिए। आसिफा का हिसाब मांगिए, लियाकत का हिसाब मांगिए, किन्नर का हिसाब मांगिए, जुनैद का हिसाब मांगिए, नदीम का हिसाब मांगिए, रोहित कपूर का हिसाब मांगिए। और अगर कल को मुझे गोली लग जाती है तो मेरा भी हिसाब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मांगेगी। साथियों, मैं आपसे एक बार गुजारिश करना चाहूं, खुदा रा अगर रमजान भी अलग है और यह भी पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम्स भी है, लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी स्टूडेंट यूनियन को कि जिन्होंने एकदम मुस्तान अपने इरादों के साथ यह लड़ाई कायम रखी। लेकिन आपके साथ सवाल है मेरा, जिस तरह पिछली बार पहाड़ पर यह कहा था कि स्टूडेंट यूनियन को स्टूडेंट यूनियन बनाने वाले आप लोग हैं, आज अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो आपकी वजह से हूँ। आज अगर आसिफा का मसला किसी मुकाम पे पहुंचा है, आरएसएस जो सीबीआई से इंक्वायरी करवाना चाहती है, आज अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पे थप्पड़ मारा तो आप लोगों की वजह से मारा है। साथ खुदा की कसम मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको खुश करने के लिए, लुभाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जब जब आवाज उठी, आसिफा के लिए मुझे पता है कि कितने मतलब आवाज उठाई। लेकिन अब आपसे गुजारिश है, आप जो नाजरीन है, आपसे ये गुजारिश है, आपके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैं नहीं मानता कभी थकेगी, और अगर कभी थक भी जाए आपने मुझे थकने नहीं दिया। यह आपका फर्ज बनता है, यह आपका फर्ज बनता है। कभी आपको लगे कि आपकी स्टूडेंट यूनियन अच्छी डायरेक्शन में नहीं चल रही तो खुदा की कसम आपको पूरा हक है, आपको पसंद है सर से यह दमन कि आप अपने निवेश को संजोड़े और उनसे हिसाब मांगे, उनसे कहे कि आप लड़िए। ये बेचारे ये कब तक लड़ेंगे, जब आपकी सपोर्ट होगी, जब आपकी तादाद कम होने लगेगी तो इनके हौसले भी टूट जाएंगे। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूं, ये हमेशा हमेशा स्टूडेंट के ऊपर हमला किया जाता है, जैसे हम सारे लोग मानते हैं कि कांग्रेस सपा दूसरी पार्टियां मुल्क के अंदर अपोजिशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुल्क के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा अपोजिशन है तो वो आप लोग है। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो जेएनयू का स्टूडेंट है, वो जामिया का स्टूडेंट है, वो मानू का स्टूडेंट है, या वो बाकी यूनिवर्सिटीज का स्टूडेंट है। आप लोगों पे हमला करके वो उस चीज को रोकना चाहते हैं कि उनसे सवाल न पूछ लिए जाए। लिहाजा मेरी आपसे, मेरे आसिफ जम्मू और कश्मीर की तरफ से आप सारे लोगों को ये मुबारकबाद पेश भी करता हूँ और एक गुजारिश करता हूँ कि यकीन मानिए, रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर का पिछड़ा हुआ गांव, जहाँ पे आज इस वक्त में भी बिजली और सड़क पानी नहीं है, वहां के ऊपर हमें ये खबर जो है पहुंच चुकी है। तो आप अपने आप को अकेला न समझिए, हमारी रियासत के अंदर भी, बाकी अजमान पे भी आज पूरा नेशन आपकी सपोर्ट में खड़ा है। लेकिन अगर आज ये लड़ाई आपने खत्म कर दी, आज ये लड़ाई जीतने के बगैर और उन दहशत गर्दों को कैफरे की तक पहुंचाने के बगैर खत्म कर दी, तो यकीन मानिए खुदा की कसम आने वाली नस्लें 100 साल तक आवाज नहीं उठा पाएंगी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिस मकसद के लिए बनी थी वो मकसद बहुत हो जाएगा। और मैं एक अल्लाह का नाचार बनना, मेरी तरह का कोई भी इंसान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से तरफी के कामों से नहीं देखेगा। मैं आपको मजदूर उस्मानी साहब, सदर साहब और इनकी तैयारी की लीडरशिप जो है और आप सारे लोगों की तरफ उस तरफ नहीं देखूंगा। जब तक इन जालिमों को कैसे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, आप सारे लोग डटे रहिए, पूरा मुल्क आपके साथ है। और एक चीज और बता दूं, ये छोटी चीजें हैं, हमने हो जाना बेटे से अटेंशन डाइवर्ट कर देना। मैं कल शाम को यहाँ आ रहा था, मेरे यहाँ एक बार देख लेता हूँ, डिबेट चल रही है आज तक पे और बाकी न्यूज चैनल पे, गौतम नौलखा साहब की स्पीच पे डिबेट चल रही थी, आज तक पे बाकी चीजों पे डिबेट चल रही थी, जहाँ पे आज की यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे नुमाइंदेदार मौजूद थे, उन्होंने बहुत बेबाकी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ आपका पक्ष रखा, आपकी बात रखी। लेकिन डिबेट सिर्फ दुनिया साहब पे हो रही थी। देखिए, जब हमने आसिफा के लिए लड़ाई लड़ी 21 जनवरी को, मैं सीबीआई की डिमांड कर रहा था, मैं बात नहीं छेड़ूंगा, लेकिन एक बात बता दूं, मैं सीबीआई की डिमांड कर रहा था जिसके
के लिए आज पूरा संघ खड़ा है। और बाद में संघ ने और कुछ मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया 21 जनवरी को तालीम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा। तो ये सारे हथकंडे हैं, हमें ये सारी चीजें समझ लेनी है कि ये तय शुदा है, ये होगी और इन चीजों से हमें कतई नहीं घबराना। और फिर आखिर में आप सारे लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और यकीन मानिए कि जब हमने ये सारी बात सुनी तो बहुत नम लोगों के साथ, मैं उससे पहले तो कभी नहीं आया लेकिन आज में जब आने का मौका मिला उसके बाद अपने भाइयों को पहचान रहा था कि कौन कौन जख्मी हुआ है। और उसके बाद दिल धड़क हो गया जब पूरी यूनिवर्सिटी आपकी इकट्ठी हुई, उस वक्त एक उम्मीद की किरण हम सब लोगों के अंदर जागी कि अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने पकड़ा लिया है, अब एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, अब हमें भी लेने की जरूरत नहीं, अब जम्मू में तारीफ को लेने की जरूरत नहीं, अब रोहित कबीला को मरने की जरूरत नहीं, अब नजीब को किडनैप होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नौजवान वो है, अगर उससे कहा जाएगा कि जिना का पोर्ट्रेट हटा दो, अगर मुझसे कहा जाएगा तो मैं डर के मारे शायद कह दूं हां जिना जरूरी है उसका पोस्टर हटा दीजिए। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक स्कॉलर है नहीं, एक आम से स्टूडेंट भी गट्स रखता है, इतना नॉलेज रखता है कि तुम्हारी क्या जरूरत है कि तुम जिना से आपको पोर्ट्रेट हटा दो, क्योंकि उसके पास जो इन है उसके पास जो ताकत है, तो उस ताकत के पास मैं अपनी रियासत की तरफ से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंप जा रहा हूँ कि एक तो इस लड़ाई को अगर आप एक रूप की लड़ाई समझेंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, अगर आप इस लड़ाई को पूरी रूपक की और पूरे पिछड़े हुए समाज की लड़ाई समझ के लड़ेंगे तो यकीन मानिए जब तक उन दहशतगर्दों को सजा नहीं, उनको कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक यकीन मानिए कि आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। और कहीं ना कहीं आपने अपने मुसलमान और अपने इंसान होने के साथ साथ अपने साथ धोखा किया और अपने परिवार के साथ कर दो जवाब देने के लिए आप नाजवाब रहेंगे। और आखिर में एक गुजारिश आपसे करता चलो, एक डेढ़ महीना लगा हमें, कभी हंगर स्ट्राइक पे आसिफा के लिए, कभी पुलिस स्टेशन पर मुझे पीएसए के अंदर बुक किया गया, कभी क्या मुसीबत, एक महीने के बाद पहले कंप्लीट को अरेस्ट किया गया। अभी तो आपको 7 महीने हुए, आप कैसे उसके आरएसएस वाले इतने जल्दी घुटने टेकेंगे, अभी सिर्फ 7 दिन हुए हैं, हमें एक महीना लगा आसिफा के मसले में दीपक खजूरिया को अरेस्ट करवाने में, हंगर स्ट्राइक पे जाना पड़ा, फाइनली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पहला मुझे बरस और उसके बाद फिर लड़ाई लड़ी। मेरी आपसे ये चल रहा है, आप बराए करम थोड़ा सा सब्र रखिए और मजबूती के साथ बैठे रहिए और अपने स्टूडेंट यूनियन जो है उन पे पूरा एतमाद रख के उनका पूरा साथ दीजिए और बाकी पूरे मुल्क से भी लोगों को मोबिलाइज कीजिए, हम पे भी ये फर्ज बनता है, हम वापस जाके इंशाल्लाह आपकी लड़ाई वहां पे लड़ेंगे। लेकिन 0 पॉइंट ये है, अगर आपने अपने भट्टी जो है ठंडी कर ली तो हमारे वहां पे तंदूर खपाने से कोई फायदा नहीं होगा, लिहाजा अभी है लेकिन आखिर मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आया तो शेर बनता है। और थोड़ा सा ये जो मायूसी छाई हुई है हमारे चेहरे पे इसे हटा दीजिए, खुश होकर लड़ाई लड़नी है हमें इंशाल्लाह, क्योंकि ये लड़ाई हम जानते हैं कि ये लड़ाई हम जीतेंगे, इसलिए खुश होकर लड़नी है। तो आखिर में गिरा देते हैं जलजले ऊंची ऊंची इमारतों को, गिरा देते हैं जलजले ऊंची ऊंची इमारतों को, मगर हम उस बुनियाद के पत्थर हैं जिन्हें गिरने का मौका है।